बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की सेना जब रूस की सीमा में घुसी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के लिए एक जाल बिछाया था जिसमें यूक्रेन की सेना फंस गई। जानबूझकर हार रहा रूस, पुतिन के ट्रैप में ज़ेलेंस्की। आखिर ये पुतिन का कैसा वॉर प्लान है कि 900 दिन की जंग के बाद रूस एक के बाद एक रूसी इलाके हारता जा रहा है। क्या पुतिन के जंगी चक्रव्यूह में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से फंस चुकी है? रूस से जुड़े वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त जो जंग रूस और यूक्रेनी इलाके में चल रही है वो अब तक के सबसे खूनी और भीषण जंगों में से है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार रूस के कुर्स्क में इतना बड़ा हमला हुआ। अब सवाल उठता है कि कुर्स्क इलाके में जिस तरह से यूक्रेनी सेना एक के बाद एक इलाके जीतती जा रही है, क्या पुतिन का रूस यूक्रेन की इस बढ़त से डर गया है? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। रूस खुद चाहता है कि यूक्रेनी सेना रूस में कब्जा करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा अंदर आ जाए ताकि पलटवार करते वक्त यूक्रेनी सेना को भागने का मौका न मिले और उसके घातक हथियार बुरी तरह से तबाह किए जाएं। रूस यूक्रेन के साथ ऐसा करने भी लगा है। जरा इस एनिमेशन को देखिए जो यूक्रेन से आई खबर के आधार पर बनाया गया है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से कुर्स्क हमले का जबरदस्त हमला लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के दर्जन भर सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना ने जबरदस्त हवाई हमला किया है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन के सैनिकों और हाईटेक हथियारों पर रूस की तरफ से 38 ड्रोन से हमले किए गए। यहां तक कि रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों में से एक इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेनी इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने वोरोनिश क्षेत्र में यूक्रेन पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं, जिससे यूक्रेनी सेना को घातक नुकसान हुआ है। 1000 किलोमीटर में मरेंगे 150,000। यूक्रेनी सेना ने भी माना कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में पोक्रोवस्क मोर्चे पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना के टॉप अफसरों का कहना है पिछले 24 घंटे में 52 मोर्चों पर जंग हो रही है। ये 52 मोर्चे 1000 किलोमीटर इलाके में खुले हुए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने 8 यूक्रेनी क्षेत्रों में 30 ड्रोन नष्ट कर दिए हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना ने ये नहीं बताया कि उन 8 रूसी ड्रोन के हमले से क्या नुकसान हुआ है जिसे यूक्रेनी सेना तबाह नहीं कर पाई है। इधर रूस में स्पेशल फोर्स के कमांडर मेजर जनरल आप्ती अलाउदिनोव ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों की बढ़त रोक दी गई है और उन्हें चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सैनिकों ने सीमा से लगभग 26 से 28 किलोमीटर दूर गांवों में यूक्रेनी हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। इधर लिथुआनिया के रक्षा मंत्री लॉरिनास कासियूनस ने कहा कि रूस ने अपने बाल्टिक क्षेत्र कलिनिनग्राद से कुर्स तक सैनिकों को तेजी से भेजना शुरू कर दिया है। इन हालातों से साफ है कि रूस ने पहले यूक्रेन को रूसी इलाकों में काफी अंदर तक घुसने दिया और अब उस पर हमला करके चारों तरफ से घेर रहा है। Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. अब सवाल उठता है कि यूक्रेनी सेना 6 अगस्त से लगातार रूसी इलाके पर हमले कर रही है। उन हमलों से यूक्रेनी सेना को क्या फायदा हुआ है? इस वीडियो को देखिए जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की से वीडियो लिंक के जरिए युद्ध का हर अपडेट ले रहे हैं। इस वीडियो में पहली बार ज़ेलेंस्की के चेहरे पर जीत की खुशी दिख रही है। ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की ने जो हाल बताया है वो हैरान करने वाला है। सिरस्की ने दावा किया है यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 74 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है।
और यूक्रेनी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि जिन 74 इलाकों पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया